आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा मात्र एक कर्मकांड नहीं है, ये प्रकृति की पूजा है, ये धरती को बचाने का महाअभियान है। 5000 वर्ष से ज्यादा पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह आह्वान किया था गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को, कि तुम गोवर्धन की पूजा करो, वो हमें शुद्ध पर्यावरण देता है, वो हमारी गौओं को घास देता है, उसके पेड़ों से कई तरह के फल हमें मिलते हैं, तो जो हमें कुछ देता है वो हमारे लिए देवता है, हमको उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। आधुनिक परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में, आधुनिक संदर्भों में गोवर्धन पूजा पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज जैसा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, क्लाइमेट चेंज के संकट को हम भुगत रहे हैं, वैसा इसके पहले कभी नहीं रहा। आज तो धरती के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छाए हुए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है, और इसलिए हम गोवर्धन पूजा के माध्यम से सारे समाज को संदेश देने के लिए कि पर्यावरण बचाओ, आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसलिए आज व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का हमारा कार्यक्रम है, और उसी से तीनों चीजें जुड़ी हुई है। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा, और गोवर्धन पूजा मतलब प्राकृतिक खेती से भी हम जोड़ रहे हैं, और गोवंश के संरक्षण से भी उसको जोड़ रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पर्यावरण विभाग करेगा, गोवर्धन पूजा सभी 52 जिलों में होगी।